हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू डेन आईटीआई जबलपुर ऑनलाइन स्टडी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को इस ये आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास वाइंडिंग के स्लॉट्स हैं जो आप लोग देखते होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसकी पूरी जानकारी दी थी। आप अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा तो आप उसके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं बताने वाला था कि आने वाली वीडियो में आपको मैं कैसे वाइंडिंग करना है, वाइंडिंग कैसे होगी, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो ये आपके सामने स्लॉट्स बने हुए हैं, आप यहां से देखेंगे तो एक से लेके दो तीन चार पांच छह से लेके पूरे 24 स्लॉट आपको दिख रहे हैं। ये टोटल 24 स्लॉट है आपके पास। हमें इसमें वाइंडिंग करनी है, तो वाइंडिंग कैसे होगा अब हम ये इससे एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बताया था, वाइंडिंग जो है वो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इसमें हमें करना है फेज। पहले ध्यान रखना है कि फेज जो होंगे वो होंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम लोग, फेज जो होंगे वो थ्री फेज वाइंडिंग के हिसाब से होंगे। उसके बाद फिर एक दूसरी चीज ध्यान देते हैं हम लोगों को, पोल पिच। पोल पिच कितनी आई थी? 6। और कॉइल पिच कितनी आई थी? 5। इस बात का हमें ध्यान रखना, पोल पिच थी 6 और कॉइल पिच थी 5। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइंडिंग अब इसमें हमको कैसे बैठाना है। वाइंडिंग की थी वैसे, हाँ एक बात और हम लोग लिख देती है, वाइंडिंग कितनी थी? वाइंडिंग या कॉइल, कॉइल की संख्या, कॉइल की संख्या कितनी थी? 12। क्योंकि सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल की संख्या थी 12, मतलब इसमें जो बैठेंगे वो बैठेंगे हमारी सिंगल लेयर वाइंडिंग। इसके बाद फिर ध्यान देते हैं हम लोग वाइंडिंग शुरू करते हैं। कॉइल की संख्या हो गई 12, फेज हो गई, पोल पिच हो गई, कॉइल पिच हो गई। अब हमें वाइंडिंग कैसे बैठाना है, उसकी संख्या कैसे बैठेगी या संख्या कैसे बनेगी, उस बात को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम लोग इससे वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा पहला जो आता है वो आता है पहला क्या, फर्स्ट। ये है फर्स्ट, फर्स्ट आपको दिख रहा है, ये है फर्स्ट। और इसके बाद फिर उसने क्या काम था, पोल पिच। हमको पोल पिच का बहुत ध्यान रखना है, कॉइल पिच का भी ध्यान रखना है। पोल पिच है 6, कॉइल पिच है 5। कैसे? 6 - 1 = 5। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे पोल पिच कैसे बनेगा। तो यहां ध्यान देते हैं, एक, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब ये हमारा बनेगा क्या, एक दो तीन चार पांच छह, ये टोटल मिला के हमारी हो गई पोलों की संख्या 6, मतलब पोल पिच 6। और इसके बीच में जो कॉइल की संख्या जो बैठेगी उसमें हमारी देखेंगे, उसमें हम देखना चाहेंगे तो हमें दिखेगा 1 - 2 - 3 - 4 - 5, मतलब ये हमारा 5 ही सही आया। और पोल पिच की संख्या जो 6 थी, जो हम लोग पोल पिच देखना चाहते थे, वो 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, मतलब पहली वाइंडिंग जो हमारी बैठेगी वह 1 से लेके 6वें नंबर पे बैठेगी। ये है हमारी पहली वाइंडिंग, इसको हम बना लेते हैं। ये है पहली वाइंडिंग। इसके बाद फिर है दूसरी वाइंडिंग, ये हो गया हमारी थ्री फेज वाइंडिंग है। तो सबसे पहले हमने एक वाइंडिंग की है, अब आ रही है हमारी दूसरी वाइंडिंग के बारे में। दूसरी वाइंडिंग कैसे बैठेगी, एक के बाद हमें दो को छोड़ना है, तीसरे में हमें दूसरी वाइंडिंग को बैठाना है, ये कैसे बनेगा। और इससे भी हमें वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, 5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5। नेक्स्ट फिर हम वही करते जाएंगे, और कुछ नहीं, बस हमें इस सीरियल को याद रखना है, 1 - 3, उसके बाद 1 के बाद 3 के बाद 5। 5 कहाँ है, ये है जो 5 के लिए हम 1 - 2 - 3 - 4 - 5।
आपको ये दिख रहा है, आप इसमें देख सकते हैं मैं तीन कलर के चौक का इस्तेमाल किया हूं, एक दो तीन। ये तीनों कलर के जो चौक है इसमें आपको समझ आना चाहिए कि जो जिस तरीके से मैंने इसमें कॉइल बैठाला है वो तीनों एक एक फेस के कॉइल है। ये प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा, हम एक बार इसको आपको सीरियल में सीरियल एक बार इसमें आपको लिख के बता देता हूँ कि आखिर कॉइल बैठने की जो प्रोसीजर रहेगी वह कैसे रहेगी। ओके, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, आप एक बार देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो कॉइल बैठा था वो किसमें बैठा था, एक से इसमें छह में पहला, दूसरा जो बैठा वो किसमें बैठा, तीन से किसमें बैठा, आठ में, फिर इसके बाद पांच से दस में, ये बढ़ता जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, एक तीन पांच, इसके बाद आप इसमें कर लीजिए क्या सात, फिर इसके बाद फिर क्या आ जाएगा नौ, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा सात नौ के बाद फिर ग्यारह, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा तेरह, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका तेरह के बाद पंद्रह, फिर क्या आ जाएगा सत्रह, फिर क्या आ जाएगा उन्नीस। अब आपको समझ में आ गया, जैसे हमने यहां एक से छह किया, तीन से आठ किया, पांच से दस किया, इसमें हमने कितनी कितनी संख्याएं आगे बढ़ा दी गई हम लोगों ने, पांच। बस इसमें भी आप लोगों को वही करना है, अब आपको इसमें सीधे सीधे सिर्फ इनकी संख्याओं को आगे बढ़ाते जाना है, तीन छह फिर आठ फिर दस फिर बारह फिर चौदह फिर सोलह फिर अठारह फिर बीस फिर बाईस फिर चौबीस। अब आपको इस बात का ध्यान देना, इसमें जो मैं आप लोगों को ये संख्याएं बताया हूं ये संख्याएं आप लोगों को इसमें ये लिखी हुई भी मिल जाएंगी, आपको इस संख्याओं को देखते हुए इसमें आपको क्वाइल इस तरीके से बैठाना है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये संख्याओं का आपको ध्यान रखना है और इस संख्याओं को देखते हुए ही आप लोगों को इसको एक बार और इस पे इस कॉइल को बैठाना। अभी तक के लिए यह है, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसके बाद आगे क्या करना है अगर आपसे नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ओके, थैंक यू।